बहुत से वाई टी पे ना मेरे दोस्त भाई बहन बोल रहे थे कि जो ये स्ट्रॉबेरी है ना, तो इसका बड़ा पेड़ होता है। तो ये पेड़ नहीं होता बाबा, ये देखिए ऐसे होते हैं ये, और ये छोटी सी बेल जैसी होती है, ज़मीन में रहती है, ये बूटा जैसा होता है ये छोटा सा, ये देखिए ऐसे होते हैं। पेड़ पूड़ तो नहीं होते भाई, हम तो काफी भी बोलते हैं इनको, और स्ट्रॉबेरी भी आप लोगों से ही सुना मैंने, पता नहीं अब इंग्लिश में इसको स्ट्रॉबेरी बोलते होंगे, बट हम जी कासली नहीं, इनको काफली बोलते हैं। ये देखिए ये काफली है ये तो। कृष्णा, सब बच्चों को राधे कृष्णा। डम डम्बरू वाला बड़ा ही मत वाला है, डम डम डम्बरू वाला बड़ा ही मत वाला है। शीश जटा में गंगा विराजे, शीश जटा में गंगा विराजे। ओ गोदिया गणपति लाला बड़ा ही मत वाला है, डम डम डबरू वाला बड़ा ही मत वाला है, डम डम डबरू वाला बड़ा ही मत वाला है। चलने को मांगे बैल बिराजे, चलने को मांगे बैल बिराजे। वो बैठने को मृग का छल्ला बड़ा ही मत वाला है, डम डम डबरू वाला बड़ा ही मत वाला है। यहाँ पे ना काफ़ी तूफान आ गया था, तो हमने जो है अब यहाँ पे ये जौ है, जौ को पूंढ रहे हैं, पूंढना बोलते हैं हम इसको, जैसे ये कर रहे हैं ना, वैसे ऐसे छांटना बोलते हैं ना, तो छांट लेते हैं। तो ऐसे पहले हम जो है इसको, जो इसमें तिनके होते हैं वो उड़ा लेते हैं हवा में, ऐसे उड़ते हैं, और जो मोटे मोटे होते हैं उनको फिर दोबारा से वो छान लेते हैं। फिर यहाँ पे ना अभी बस तूफान क्या बारिश आने वाली है, तो हम फटाफट जो है इसको निकाल रहे हैं अभी, ये अंदर करने हैं हमने फिर स्टोर, तो इनको पहले साफ़ कर लेते हैं ऐसे। और पुराने ज़माने भी ऐसे ही पुने जाते थे, लेकिन पंखे नहीं होते थे फिर उस टाइम ना, अभी तो हम पंखे जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन पहले जो है वो सिर्फ हवा देखते थे। जो बहुत से दोस्तों ने ये पूछा था कि जौ का क्या करते हैं, तो जौ का दर्द बनता है जी पशुओं के लिए। और आइए आगे देखते और हैं। कितनी बारिश हो रही है, और हमारे ना गेहूं भीग गई सारी है भगवान, और देखिए कितनी बारिश हो रही है, और गेहूं सारी भीग गई। जौ तो हमने निकाल ही दिए, बट ये भीग गए सारे, गेहूं सारे भीग गए। आई ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, हमारे ना सारे काम जो है वो ऐसे ही हो रहे हैं। देखिए बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है ना आपको, ये देखिए कितनी बारिश हो रही है ये आपके सामने। ये देखिए शिमला मिर्च जो है हमने धो ली है, इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। हम ना आलू भी धो लेते हैं, आलू भी हमने जो है वो काटने हैं, तो पहले हम आलू भी धो लेते हैं अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद छीलने हैं। ये देखिए अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, और फिर अब देखिए
ये अब हम छील लेते हैं इनको और फिर दोबारा से इनको धो लेंगे। आज जो है वो सरिता खाना बना रही है और शूट भी हिमांशु ने किया है, तो मैं यहाँ नहीं था, मैं अभी खेत में था गेहूँ काटने। तो ये देखिए अब हमने जो है इनको कट करना है, तो कट कर लेते हैं जी, पीस कर लेते हैं इनके। बाद में ही मैंने वॉइस ओवर की थी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगना था ना फिर वीडियो जो बनाने का, तो शूट करने का, तो शूट हिमांशु ने की है और सरिता खाना बना रही है। बच्चों का भी सहारा हो गया है आजकल तो, क्योंकि बच्चे भी जो छुट्टी पे है। और यहाँ पे हमने कट कर लिए है देखिए, और अब हमने शिमला मिर्च जो है वो कट करनी है। तो आपके साथ क्या रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं ये देखते रहिए आप आगे। और ये ना पुलाव जो है वो पुलाव बना रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें ना मिक्स करेंगे तो ये भी अच्छा पुलाव बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। एक बार आप भी ट्राई करिएगा अगर नहीं किया होगा तो। ये देखिए मटर भी हमने जो छील लिए हैं और अब हम चावल जो है वो धो लेते हैं। और हमने टमाटर भी कट कर लिया है, प्याज भी कट कर लिया है, चावलों को अच्छे से धो लेते हैं, फिर जो है पुलाव के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो पुलाव सच में ही टेस्टी बना था, बहुत ही स्वादिष्ट। और ऐसे ही मिक्स दो चार चीज़ें इकट्ठी डाल देना चावलों में तो अच्छा पुलाव बनता है और ये एक नई जो है वो रेसिपी हो जाती है, एक नई सब्ज़ी हो जाती है। तो हमें तो भाई सच में ही बहुत अच्छा लगा और आप लोग सच में ही ट्राई करना एक बार, अगर नहीं किया होगा, वैसे तो किया होगा पर अब हम वो बताएंगे जो हम करते हैं। और ये देखिए अब दोबारा से हमने आलूओं को भी धो लिया है और शिमला मिर्च हमने पहले धो ली थी, और मटर जो है अब मटरों को हम धो लेते हैं। थोड़े से मटर डाल दिए थे और थोड़ा से ये क्या कहते हैं इसको, शिमला मिर्च और थोड़े से आलू, और यहाँ पे देखिए धनिया हमने डाल दिया है, मिर्च डाल रहे हैं। और इन सब का ना हमने जो है वो एक दरड़ा जैसा बना लेना है, ये देखिए ऐसे कूट के जो है हमने इसका ये दरड़ा बना लेना है। और ये देखिए यहाँ पे ये सब कुछ हमने तैयार कर लिया है, अब हम तेल जो है वो डाल रहे हैं तड़के के लिए। तो अब हमारा जो है वो ये जो रिफाइंड है या तेल है ये गर्म हो गया है। अब इसमें धनिया ऐड कर लिया है, मेथी ऐड कर लिया है, और अब जो दरड़ा बनाया था वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। ये देखिए ये हमारा तड़का जो है वो हो गया है। अब प्याज हमने ऐड कर लिया है इसमें और तब हम इसको जो है वो अच्छे से पकने देते हैं जब तक प्याज हमारा ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। और ये हल्दी हमने ऐड कर ली है थोड़ी सी, क्योंकि हम थोड़ी ही हल्दी यूज़ करते हैं, आपको पता है, मैंने बताया था आपको। और अब हमने टमाटर जो है वो ऐड कर लिए हैं और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं और फिर जो है फिर इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। ये जो हमारे टमाटर हैं इनको गलने देना है ऐसे, थोड़ी देर ऐसे रखना है। और अब हमारा जो हो गया है ये, और ये अब देखिए हम जो है ये आलू भी और शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर रहे हैं। और जी साथ में हमने मटर भी डाल दिए हैं, अब इनको फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर। ये फ्राई हो रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तड़के के साथ इनको भी। ये अब हम इनको ना ऐसे ही फ्राई होने देते हैं थोड़ी देर। और अब हमने जो है वो चावल इसमें ऐड कर लिए,
अब अच्छे से इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये अब हम जो है पानी इसमें ऐड कर लेते हैं, जितना हमारा ये मटेरियल है उस हिसाब से हम पानी जो है वो ऐड कर लेंगे इसमें। ये देखिए अब जो है पानी हमने इतना ऐड कर लिया है इसमें, और नमक हमें स्वाद अनुसार डाल लेना है। और अब हम जो है वो इसको सीटी देंगे, एक या दो सीटी देंगे, और हमारा जो है वो पुलाव जो जल्दी से पक जाएगा। और जब थके हुए आते हैं ना तो ऐसा लगता है बस सभी हमारे को खा। ये हमारी जो है वो खिचड़ी तैयार हो गई जी। तो पुलाव की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी, और अभी मैं हिमाचली थाली कैसे लगती है, पुलाव की थाली कैसे लगा रहे हैं हम, वो भी शेयर करूँगा। तो देखते रहिए आप। ये देखिए जी, इस तरीके से हमारे जो है वो थाली लगाते हैं। ये पुलाव है, और ये देखिए ऐसे जैसा है ये बन रही है थाली। और हमारी समस्त जनता बैठी है अभी पूरे वेट में कि कब जैसे ये थाली लगेगी और हमारे पास पहुंचेगी। ये देखिए सबसे ज़्यादा तो ये हमारे ये बंदा खतरनाक बंदा है। और बुआ जी भी आए थे हमारे यहाँ पर, चले गए हैं वो, आ गए थे वैसे थोड़े दिन पहले। और देखिए जी वेटिंग में है सभी। डाल दिए हमारे थाली, और नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से आपका स्वागत है, और आप लोगों के साथ दोबारा से जो है वो नई रेसिपी के साथ आपके साथ जो है मुलाकात होगी। ओके बाय।